मैं सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांव बीच से हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से खावड़ा के तमाम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे इस तीसरे साल के कार्यकाल में जो हमने वहाँ का एक इशू उठाया था नेटवर्क का, वो मैं एलजी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमने एलजी साहब तक ये ग्रीवेंस पहुँचाए थे कि खावड़ा में जो है नेटवर्क नहीं है, तो उन्होंने इस हमारी ग्रीवेंस को सुना और आज जाके जो है हमारा ये खावड़ा का एक नेटवर्क सेंक्शन हो गया है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमने भी बड़ी कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की और एलजी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी इस ग्रीवेंस को सुना और पब्लिक की ग्रीवेंस को सुना जो हमने ग्रीवेंस सेल्स में डाले था कि जो नेटवर्क है खावड़ा में नहीं है। तो आज जाके जो है कहीं ना कहीं 2 साल के बाद जो है वो ग्रीवेंस पूरी हुई और हमारा जो है खावड़ा का नेटवर्क सेंक्शन हुआ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ का शुक्रिया करना चाहूँगा और एलजी साहब का भी शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने गरीबों की जो है गरीबों की मुश्किल का जो है उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो नेटवर्क का इशू है, जो आजकल ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं वहाँ के बच्चे जो दर बदर थे, तो उन्होंने इस ग्रीवेंस को अच्छी तरह से गौर किया और आज जो है नेटवर्क का जो है इशू उन्होंने सॉल्व किया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से खावड़ा के तमाम लोगों को फिर से एक अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो है नेटवर्क का जो मसला जो था वो सॉल्व हो गया। 60 साल के बाद आज जो है पहली बार खावड़ा में नेटवर्क जो है बनने जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को फिर से धन्यवाद करूँगा, उन्होंने भी हमारा साथ दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारा साथ दिया, तब जाके आज जो है नेटवर्क सेंक्शन हो गया। और जो है अब हमारा एक और मसला है जो हमने ग्रीवेंस सेल्स में डाला वो डिस्पेंसरी का है। मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर वो डिस्पेंसरी का भी मसला हल करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी ग्रीवेंस को पूरा किया। थैंक यू।